हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार। आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसका पेपर वन डिस्कस करने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है, इसमें कहता है कि जो नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस साल में लॉन्च किया गया। ठीक, तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 2018, 2017, 2020 और 2019। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2019। ठीक, अब देखते हैं ये जो आपका प्रोग्राम है नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम NCAP, ये जो जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, ये एक 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि टैकल करेगा एयर पोल्यूशन को ऑल अक्रॉस इंडिया, और इसका टारगेट था ये 20-30% रिड्यूस कर देगा पोल्यूशन पर्टिकुलेट मैटर्स को, जो आप जिसे आप PM10 और PM2.5 कहते हैं, उसको ये रिड्यूस करेगा अप टू 20-30% बाई 2024। ठीक है, और इस चीज़ को कंसिडर और कैलकुलेशन करने के लिए जो बेस ईयर लिया गया है वो है आपका 2017। ठीक है, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर वो ईयर होता है जहाँ से आप आगे की कैलकुलेशंस को काउंट करते हैं। जो आप ग्राफ देखते हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है पॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर बेस ईयर को एज अ स्टैंडर्ड मान के लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 2019 में। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूरल रूलर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज अ श्री पर्वतीय इन पुराण्स। पुराण जो है हमारे पुराणों में श्री पर्वतीय किस रूलर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये है ऑप्शन बी आपका इक्ष्वाकु। ठीक है, अगर जो आपको इंग्लिश में प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है तो इसे आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु को कहा जाता था श्री पर्वतीय। ठीक है, और इसकी कैपिटल थी श्री पर्वता और विजयपुरी, जिसे नागार्जुन कोंडा भी कहते हैं। ठीक, फिर चलिए हम बात करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड अ पुअरिटी लाइन बेस ऑन द न्यूट्रिशनल इक्विपमेंट एक्सक्लूसिवली। मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी कमेटी है, ये डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ हैं, अर्गल कमेटी, ये तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये जितनी कमेटीज़ हैं ये सारी रिलेटेड है मोस्टली पुअरिटी से रिलेटेड। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने कॉन्सेप्ट दिए कि किस लाइन पर और किस स्टैंडर्ड पर हम इनको नापेंगे कि ये फैमिली या ये व्यक्ति जो है वो पुअर कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिशन बेस के लिए जो दिया था वो थे आपके अलग कमेटी। ठीक है, अलग कमेटी। ठीक है जी, देखिए पहले जो है जो गरीबी को नापा जाता था वो था एक जिसके पास पैसे कम है, लो इनकम है, लैक ऑफ इनकम है, वो क्या होता था, गरीब होता था। तो उसके बाद फिर जो प्लानिंग कमेटी आई, प्लानिंग कमीशन आया, प्लानिंग कमीशन ने 1979 में एक कमीशन बनाया, कमेटी बनाई, जिसके हेड थे वाई के अलग, जिन्होंने वर्टी बेस लाइन के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के को बेस माना कि इतना न्यूट्रिशन अगर जो किसी व्यक्ति को विलेज में या अर्बन एरियाज में मिलता है तो वो क्या है, वर्टी लाइन से अबव है, या इससे कम मिलता है तो वर्टी लाइन से बिलो है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि 2100 कैलोरीज, कितनी 2100 कैलोरीज जो है आपकी अर्बन एरियाज में अगर जो एक पर्सन कंज्यूम करता है, ठीक, और
2400 कैलोरीज और 2400 कैलोरीज 2400 कैलोरीज अगर जो आपका विलेज वाला व्यक्ति, ठीक है, ये विलेज का व्यक्ति और इतना कैलोरीज आपका अर्बन एरिया का व्यक्ति अगर जो कंज्यूम करता है तो वो पुअर्टी लाइन से अबव है। अगर जो इससे कम कैलोरीज कंज्यूम कर पाता है तो वो पुअर्टी लाइन के नीचे आता है। ठीक, अब इसमें बाकी जो कमिटीज़ हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ये आपकी है लकड़ वाला कमेटी, ठीक है, जो बी ऑप्शन है, ये लकड़ वाला कमेटी है। इसने क्या रिकमेंड किया, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूज्ड, मीन्स कि कोई व्यक्ति उस एरियाज में जो संसाधन है उनका उपयोग किस प्रकार से और कितना कर पाता है उसके बेसिस पर इन्होंने पुअरिटी को डिफाइन किया। उसके बाद आपके नेक्स्ट है तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया, इन्होंने कहा डिफरेंट मेथड्स निकाले इन्होंने जो पुअरिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक, फिर रंगराजन कमेटी है। रंगराजन कमेटी ने एक कैलकुलेशन किया बेसिक, जो अप्रोक्सीमेट कहता है कि इंडिया में 363 मिलियन लोग जो हैं वो पुअर हैं, और ये रिपोर्ट इन्होंने दी थी 2012 में। ठीक है जी, और तेंदुलकर कमेटी जो थी आपकी ये 2005 की है। ठीक है जी, और जो आपकी ये लकड़ वाला कमेटी थी, लकड़ वाला कमेटी है आपकी 1993 की। ठीक है, ये इन कमेटियों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो आपको आगे काम आएगा। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ये कहता है कि एग्रोनोमोई नाम का जो ऑफिशियल है, मतलब ये कोई पोस्ट है, किसी पोस्ट के बारे में बात कर रहा है, ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, जो मौर्य काल था उस टाइम पर एग्रोनोमोई नाम की जो पोस्ट है वो किससे संबंधित है, वेट एंड मेजरमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट से। ठीक, तो इसका चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। आंसर जो है एक्चुअली इसका वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, ये हमें पता चलता है मेगस्थनीज की जो बुक है, डिस्क्रिप्शन है इंडिका, उसमें एक स्पेशल ऑफिसर जो निर्माण का कार्य, रास्ते निर्माण का कार्य संभालता है, उसे एग्रोनोमोई कहा गया है, और जिसमें पिलर टू पिलर डिस्टेंस जो है 10 स्टेडिया बताया गया है। स्टेडिया क्या है, स्टेडिया एक आपका डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है। ठीक है जी, चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है जी, SDI जिसे कहते हैं। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल यूज़ की जाती है, एजुकेशन यूज़ किया जाता है, पर कैपिटा इनकम आपकी बिल्कुल यूज़ की जाती है। ठीक है, अब इसमें जो है सोशल इनइक्वालिटी ये यूज़ नहीं की जाती, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है नॉट, तो जो नहीं यूज़ किया जाता है वो है सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, और जो ये HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया था पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि ये ऐसा कुछ इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसे UNDP ने भी अडॉप्ट कर लिया अपनी रिपोर्ट्स में। ठीक, UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है, ये कहता है बेसिकली मैच द फॉलोइंग है ये, इसमें महाजनपाड़ा दिए गए हैं और उनकी कैपिटल्स हैं, इनको आपको मैच करना है। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं। पहली है मत्स्या, ये जो मत्स्या महाजनपाड़ा है इसकी जो कैपिटल है वो है विराटनगर। ठीक, अब विराटनगर जो है, विराटनगर कहाँ पाया जाता है, ये आपका मिलेगा
अलवर, भरतपुर और जयपुर, जो राजस्थान का इलाका है, जयपुर, भरतपुर और अलवर का जो इलाका राजस्थान में है उसके आसपास का ये है, वहाँ पर पाई जाती है विराट कैपिटल। फिर है कुरु, कुरु जो है, कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पर पाया जाता है? इंद्रप्रस्थ जो है कहाँ का इलाका है? इंद्रप्रस्थ जो है आपका दिल्ली और हरियाणा का इलाका है, ठीक है। फिर है सूरसेन, सूरसेन की कैपिटल है मथुरा, ठीक है। मथुरा तो आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में है। फिर है अस्माक, अस्माक अस्माक जो है उसकी कैपिटल है पोतन, ठीक है जी। और पोतन कहाँ मिलता है हमें? पोतन जो नर्मदा रिवर और गोदावरी रिवर है उसके बीच का जो लैंड मास एरिया है ये वहाँ पाया जाता है पोतन, ठीक है। गोदावरी और नर्मदा रिवर आपकी साउथ में बहने वाली रिवर्स है, ठीक। तो अब इसको मैच करने के बाद देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है। फर्स्ट का 3 है तो आपका बी और सी में होगा, सी का 4 है तो सी का 4 और डी का, सी का 1 और डी का 2, मीन्स ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन। चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो आइडिया ऑफ कल्चरल पुअरिटी, ठीक है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन है, आंसर है, वो है ऑस्कर लुईस। ऑस्कर लुईस ने कल्चरल पॉवर्टी के बारे में दिया बात करी थी, ये बात करी थी 1960 में, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन दिया हुआ है एंड रीजनिंग दिया हुआ है। तो चलिए इसको ऑप्शन खोल लेते हैं पहले। तो देखिए आपका जो असर्शन है वो कहता है, हाँ जी देखिए असर्शन क्या कहता है, वी हैव मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रोसीडर्स, ठीक है। प्रोसीडर मतलब उनके पूर्वज, ठीक। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि चोला के बारे, चोल साम्राज्य जो था उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है एज कम्पेयर टू उनके पहले वाले जो साम्राज्य थे उसके बारे में। चोल कहाँ पाए जाते थे? दक्षिण भारत में, ठीक है। अब रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये कहता है कि चोला रूलर्स जो है उन्होंने एक चीज़ अडॉप्ट कर रखी थी कि वो को जो भी लड़ाई जीतते थे कहीं भी तो वो क्या है, मंदिरों पर, मंदिरों की दीवालों पर उनका उल्लेख करवा दिया करते थे। तो क्या है, वॉल्स पर जो लिखा होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, तो उससे हमें चोलास के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली कि भाई इस चोला राजा ने ये लड़ाई जीती, कब जीती, किसके विरुद्ध जीती, ठीक। तो भाई असर्शन भी सही है और आपका रीज़न भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बहुत ऑप्शन ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। तो इस चोलास के पीरियड में जो विक्ट्रीज होती थी तो वहाँ के राजा जो है वो डिक्टेट करवा के जो टेम्पल्स होते थे उनकी वॉल्स पर वो चीज़ें गुदवा दी जाती थी ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन उनकी वीर गाथाएं पढ़ सके और जान सके उनके बारे में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, ड्यूरिंग द मिड 80s, मिड 80s मीन्स 1985 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक, 20th सेंचुरी उसके बीच में, द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट वर डिस्कस्ड एट लार्ज, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सच इम्पॉर्टेंट, अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 20वीं सदी में के दशक के मध्य में नकारात्मक पक्षों का पर जो विस्तृत चर्चा की गई उसमें से इन पॉइंट्स पर वो चर्चा किस पे नहीं थी, ठीक है। तो ये चर्चा जो थी पहले हम वो जान लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जिन पर ये चर्चाएं की गई थी, ठीक है। तो पहला था कि डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए इसमें है क्या, पहला पॉइंट है आपका कि नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद बात करी गई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में,
वो भी हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि भाई पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। उस टाइम से ही 20th सेंचुरी के इस एरा से ही ये सारी प्रॉब्लम्स राइज होना चालू हो गई थी। और उसके बाद बात की गई डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मासेस, वो भी आपका पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और लार्ज नंबर्स में, मतलब गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे थे बहुत ज़्यादा नंबर में, जिससे शहरों का बर्डन बढ़ रहा था, रिसोर्सेज की कमी पड़ रही थी। ठीक, अब देखिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है उसमें, वो है पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट है, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। ठीक, चलिए फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिट भीम बेटका केव। भाई इंडियन कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट था जो भीम बेटका केव डिस्कवर्ड, जो विजिट किया और डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। ठीक है, तो ये जो थे आपके, पहले तो इनका नाम देख लेते हैं, ये हैं V.S. वांकर। ठीक है जी, V.S. वांकर जो थे, इन्होंने सबसे पहले भीमबेटका की गुफाओं की विजिट की, जो पहले इंडियन थे। ठीक है, और इन्होंने क्या पाया कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो सिमिलर हैं स्पेन और फ्रांस की गुफाओं से, स्पेन और फ्रांस की गुफाओं के जैसी ही हैं, सिमिलर हैं। और ये इन्होंने कब देखा, उसका टाइमिंग था 1970s। इस टाइम पर ये भीमबेटका की गुफाओं में विजिट किए और इन्होंने पाया कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनका स्ट्रक्चर है जो वो स्पेन और फ्रांस की गुफाओं से मिलता जुलता है। ठीक, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। कहता है नंबर ऑफ सिटीज इन यूपी विच आर कवर्ड अंडर स्मार्ट सिटी स्कीम। ठीक है, आपको याद होगा 2015 में जून का महीना था, उस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने स्मार्ट सिटी स्कीम लॉन्च की 100 शहरों में भारत के, कितने शहरों में, 100 शहरों में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि उन 100 शहरों में से यूपी की कितने शहर थे। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया हुआ है 10, 15, 12 और 18। ठीक, अब देखिए जो एक्चुअल नंबर ऑफ शहर थे, ठीक है, वो थे 11। अब ऑप्शन में कहीं 11 तो है नहीं, तो हम आगे ना जाके एक पीछे चले जाएंगे 10 में। ठीक है भाई, देखो बिड में हम लेंगे ना, तो इधर पीछे तो देखो 10 ऑप्शन जो है यूपीएससी के यूपीपीसीएस के जो आंसर की आई थी उसमें सही ठहराया गया था। ठीक, अब देखिए जो स्मार्ट सिटी है इसका जो एम था वो ये था कि एनकरेज करेगा डेवलपमेंट को विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ और अपग्रेड करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मास ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए, साफ सफाई रखी जाए और एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट दिया जाए। ठीक है, ये उद्देश्य था स्मार्ट सिटी का, कब स्टार्ट हुआ था, 2015 जून में। ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें मैच द फॉलोइंग है, इसमें कुछ दी गई हड़प्पन साइट्स और वो किस स्टेट में पड़ती हैं उसके बारे में पता पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है इसमें बालू। ठीक है, तो बालू जो है वो एक आपकी हड़प्पन साइट है और हड़प्पन साइट को आप आईवीसी साइट भी कहते हैं, हड़प्पन साइट को हम आईवीसी भी कहते हैं, आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बालू जो है आपका आईवीसी की एक साइट है जो 22 किलोमीटर दूर कैथल से पड़ती है, कैथल जो एक ज़िला है हरियाणा का। ठीक है, तो हरियाणा से 22 किलोमीटर, हरियाणा के जो कैथल है वहाँ से 22 किलोमीटर दूर एक साइट है बालू। ठीक, फिर है आपका मांडा। मांडा जो एक गांव है
ये गांव पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये भी आपकी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है आईवीसी की। और फिर है पाडरी, पाडरी जो पाडरी है ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये भी एक हड़प्पन साइट है। और फिर है हुलास, हुलास जो है आपका उत्तर प्रदेश में, एक चालकोलिथिक कल्चर के टाइम का साइट है जो दुआब के पास बनता है, पास है, ठीक। दुआब अर्थात दो, दुआब वो जगह होती है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, जैसे इलाहाबाद है आपका, दो नदियों के बीच का जो फर्टाइल एरिया है वो आपका दुआब कहलाता है, ठीक। तो इस मैचिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो है डी, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए हमारा 13th क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, डिस्कस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987। द रिपोर्ट वॉज, एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी रिपोर्ट थी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 1987 में यूएन में सबमिट की गई। तो देखिए इसका हम डायरेक्टली आंसर ले लेते हैं, इसका जो आंसर है वो है अवर कॉमन फ्यूचर, ये रिपोर्ट है, ठीक। और ये रिपोर्ट सबमिट करी थी जो फॉर्मर पीएम है नॉर्वेगियन के, ग्रो हार्बन ब्रंटलन ब्रिटलैंड, ठीक है। और इस रिपोर्ट को जो कमीशन था उसे ब्रिटलैंड कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए इसके साथ क्या याद रखना है आपको, ब्रिटलैंड कमीशन, ठीक, जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया था या चेयर किया था इस रिपोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है द सन टेम्पल ऑफ उल्तान इज मेंशन्ड बाय हुइंग सांग, अबू ज़ियाद, अल मसौदी एंड अल बरौनी, ठीक है। तो मुल्तान कहाँ है आज की डेट में, मुल्तान आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है जहाँ पर सन की पूजा की जाती है, ठीक है, और जिसका डिस्क्रिप्शन किसने, इन लोगों ने दिया है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि पिलग्रिम ऑफ सांबापुर, ठीक है, जो है एसोसिएटेड है किसके साथ, सन की पूजा के साथ, ठीक है। तो सांबापुर जो है वो एक कार फेस्टिवल है, जैसे आपका जगन्नाथ पुरी है, ठीक, उसी तरीके से, क्योंकि जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में जो होता है पूजा, तो वहां पर भी क्या है, सन की पूजा होती है, ठीक है। तो सांबापुर में भी ये स्टेटमेंट आपकी सही है दोनों। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। अटल इनोवेशन मिशन इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय, ये जो एम है, एम, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको स्टार्ट किया था नीति आयोग ने, ठीक है। और इसका जो एम है, अटल इनोवेशन मिशन का जो एम है या मेन, दो कारणों से इसको स्टार्ट किया गया। तो पहला क्या है इसका कि एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन करना, ताकि वो थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और टैलेंट यूटिलाइजेशन हो सके, ताकि जॉब क्रिएशन हो सके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिले। एमएसएमई जो आपका होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है आपका, ठीक, उसकी बात करता है। और सेकंड क्या कहता है कि नए नए आइडियाज को डेवलप करे, ठीक है, जो न्यू इन्वेंशंस है, न्यू इनोवेशंस है बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, उनको आगे लाना, ठीक है। तो ये इसका मेन एम थे दो।
और ये डेवलप इनिशिएट किया गया था नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज सेट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द वॉशिंगटन सबमिट ऑफ ILO, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन द ईयर 1990। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हम देखते हैं, क्या कहता है ये जो है आपके, इसका है VP वाडिया। ठीक है जी, VP वाडिया और VP वाडिवाश, ये दो लोग गए थे इस सबमिट में। ठीक है, चलिए फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर एक बुक का नाम दिया है साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश इन 1962। ये बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ये 1962 में पब्लिश हुई थी। इसके राइटर के बारे में पूछ रहा है, और ये किसके बारे में बात करती है? बुक बात करती है इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके जो राइटर थे वो आपके रिचल कार्सन है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद करना होगा कि स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग नाम की जो बुक है जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में बात करती है दुनिया में, तो उसको लिखा था रिचल कार्सन ने। ठीक, चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपले ठीक इन 1784, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है। बेसिकली ये जो टाइम है 1784, ठीक है, तो एक टाइम था 1746 से लेके 1748 तक के बीच में, कार्नेटिक की फर्स्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर, वॉर चालू थी आपकी, कार्नेटिक वॉर चालू थी आपकी। ठीक है, तो 48 में क्या हुआ कि कार्नेटिक की पहली वॉर ख़त्म हो गई, बात सही है। फिर बात करता है कि कार्नेटिक, सॉरी, जो इंग्लिश है, जो लड़ाई किसके बीच में चल रही थी? कार्नेटिक की, कार्नेटिक की जो लड़ाई है वो आपकी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में चल रही थी। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो ब्रिटिश थे वो आपके वापस चले गए मद्रास में। ठीक है, लड़ाई ख़त्म हो गई, वो अपना वापस चले गए, और इसके बीच में इन लड़ाई ख़त्म होने के साथ हमेशा एक ट्रीटी होती है, तो ट्रीटी क्या थी? एक्सला शैपल। ठीक है, और ये वापस चले गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई लड़ाई का जो कारण था कार्नेटिक जो फर्स्ट वॉर थी उसका मेन कारण था ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन सक्सेशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन इसका मेन कारण था। ठीक, तो लड़ाई तो ख़त्म हो गई मगर जो लड़ाई का कारण था वो रिजॉल्व नहीं हो पाया था। चलिए फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें क्या कहता है कि नॉट, देखिए जहाँ आजकल क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा जाता कि भाई क्या सही है। आजकल क्वेश्चंस का ट्रेंड बदलता जा रहा है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी चीज़ सही नहीं है, है ना, तो इसलिए आपको पूरी जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है भाई, देखिए सिंपल कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। इम्यूनाइजेशन बिल्कुल चाहिए होगा, उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन बिल्कुल चाहिए होगा चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग तो कोई मतलब नहीं बनता कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फैमिली प्लानिंग का कोई रोल नहीं है। ठीक, तो आपने ईजिली इसको अपने कॉमन सेंस से भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ICDP मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट किया गया था, गांधी जयंती के दिन। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम था। इसमें क्या है, 4-6 साल से नीचे तक के बच्चों को एम किया गया बेसिकली, कि उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ें मिलती रहे। और उसके बाद इसमें ऐड किया गया प्रेग्नेंट वुमेंस को और उन वुमेंस को जो किसी न किसी डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं, जो कि एज ग्रुप था 16-14 ईयर्स का। ठीक है, और इसका मेन एम था कि हेल्थ प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना,
एक बड़ी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आर्म्स एक्ट और उनके साल दिए हुए। चलिए देखिए हम पहले आर्म्स एक्ट के बारे में देखते हैं। आर्म्स एक्ट जो है वो 1878 में आया था, ठीक है। और इस एक्ट में कहा गया कि भाई एक्ट में ये रेगुलेट किया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति या कोई भी फैक्ट्री भाई कितना हथियार बना सकती है, कितना रख सकती है, कितना बेच सकती है, कौन कितना खरीद सकता है, किसके लिए लाइसेंस चाहिए, ये सब जो लॉज हैं, क्लॉज हैं, ये सब इसमें दिए गए, ठीक। ये आया था 1878 में। फिर आया रॉयल टाइटल एक्ट, ठीक है। ये आपका आया रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में। ये 78 में आया और फिर ये आपका 76 में आया रॉयल टाइटल एक्ट, ठीक। जिसमें क्या है, क्वीन को, विक्टोरिया को एक टाइटल दे दिया कि वो क्वीन है, है ना। ये इसमें ज़्यादा जानने का नहीं है, सिर्फ एक ईयर आपको ध्यान रखना है कि 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट आया था। ये बेसिकली क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड थे। फिर अगला आता है द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक। हाई कोर्ट एक्ट आपका आया 1861 में, ठीक है। तो 1861 में जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी यूके की, लंदन की, उसने क्राउन को, जो अब वहाँ की रानी थी, उसको ये अधिकार दिया कि भारत में वो हाई कोर्ट्स खोल सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये 1861 में ये मिल गया कि अधिकार कि वो खोल सकते हैं हाई कोर्ट, तो उसके बाद 1862 में तीन हाई कोर्ट्स खोले गए, तीन हाई कोर्ट्स इंडिया में खोले गए। तो सबसे वो जो थे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, ठीक है, वो 1862 में खोले गए थे, ठीक। उसके बाद एक लास्ट टर्म हमारा इंडियन डाइवोर्स एक्ट। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, 1869 में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्ट आया था, ये डाइवोर्स एक्ट बेसिकली था क्रिश्चियनिटीज में, ठीक। उसके बाद इसे अलग अलग रिलीजन्स में भी फॉलो करने लग गए एज अ लॉ के तहत, ठीक। तो अब देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है इसका। देखिए फर्स्ट का टू और ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें देखते हैं आईवीसी कैसी साइट थी हमारी, एक अर्बन साइट थी, ठीक है। अब देखिए हम इसे ऑप्शन से आंसर निकालते हैं इसका, ठीक। तो देखिए आईवीसी क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन मतलब ए और डी में से हमारा कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। चलिए फिर हम अगला देखते हैं। अब इसमें से देखते हैं हमारा कौन सा इजीली पढ़ सकता है। देखिए मिडिवल पीरियड है, मिडिवल पीरियड जो है आपका मिडिवल पीरियड जो है ये आपका लैंड लॉर्डिज्म है, मतलब जमींदारी प्रथा यहाँ पर चालू हो गई थी मिडिवल पीरियड में, ठीक। अब देखिए फर्स्ट का डी हो गया और डी का टू हो गया, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, नहीं नहीं एक सेकेंड, हाँ जी देखिए डी का टू है ना। तो फर्स्ट का ये हो गया और डी का टू हो गया, मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो लेटर वैदिक सोसाइटी क्या हो गई आपकी, ये हो गई कृषक, ठीक है, एग्रीग्रियन, ठीक है, और इसे हिंदी में कृषक भी कहते हैं, ठीक। और फिर ऋग्वैदिक सोसाइटी क्या हो गई, पेस्टोरल, पेस्टोरल मीन्स चारागाह, ठीक है। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, सिक्किम को इंडिया में किसने मर्ज किया। तो ये थे हमारे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इनकी पॉलिसी थी कि अपना क्षेत्र बढ़ाते रहो, एक्सपेंशन पॉलिसी ये फॉलो करते थे। और इन्होंने 1848 में भारत के वाइसराय बने, ठीक है, और 1850 में इन्होंने सिक्किम को भारत में मिला लिया था अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक। फिर चलिए अगला हम सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कानपुर और लखनऊ सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम मिलियन सिटी एज पर द सेंसस। अच्छा जी ये कह रहा है कि कानपुर और लखनऊ सिटी जो है वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग
1 मिलियन पॉपुलेशन बन गई, 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख की पॉपुलेशन वहाँ हो गई। ठीक है, तो ये था आपका, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है 1971 में कानपुर में और 81 में लखनऊ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जब हम ये क्यों काउंट कर रहे हैं भाई कि 1 मिलियन पॉपुलेशन से अबव हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग ये है कि जब कोई भी शहर की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी और 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ की जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, हाँ कि कानपुर की और लखनऊ की और जो जहाँ जहाँ की भी हम बात करेंगे, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसे अपग्रेड कर दिया जाएगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। ठीक है, किसके तहत? 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि इनमें से, फिर देखिए नोट आ गया आपका, है ना, कौन सा लीडर जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिया था। ठीक, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिया था और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 सितंबर में 1931 पे। ठीक है, और इसमें जो है महात्मा गांधी ने आईएनसी की तरफ से पार्ट लिया, महात्मा गांधी ने आईएनसी की तरफ से पार्ट लिया था, सरोजिनी नायडू ने इंडियन वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं पहला क्या वर्ड दिया हुआ है, जजमानी। ठीक है, जजमानी वर्ड है ना, तो ये जजमानी वर्ड जो बेसिकली है, जैसे हम नॉर्थ में बोलते हैं ना, जो बेसिकली आपका जो उत्तरी बेल्ट है यूपी वाला, खासतौर पे अवध वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या कहते हैं, जजमान, है ना, तो जजमानी सिस्टम वही है एक तरीके से, एक वर्ड जो है वहाँ से रिसेंबल करता है, तो हम ऑप्शन ले सकते हैं पहले का नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो जजमानी जो है सिस्टम वो क्या होता है कि एक नॉर्थ इंडियन विलेज का सिस्टम है जिसमें कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के लोगों के लिए कई सारे काम करते हैं। ठीक है, एज अ नौकर, एज अ सर्वेंट। ठीक, और उसके बदले उन्हें खाने के लिए ग्रेन्स और कुछ अदर गुड्स दिए जाते हैं। ठीक है, वो आपका जजमानी सिस्टम हो गया। फिर है बारा बलूत। ठीक है, देखिए बारा बलूत जो है वो एक हेरिडेटरी विलेज सर्वेंट होता है एक तरीके का। ठीक, और ये आपको मिलते हैं, ये कहा जाता है आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसके बाद एक नेटम है मिरासी। मिरासी जो है ये आपकी एक ट्रेडिशनल सिंगर्स होते हैं या डांसर्स होते हैं जो आपके कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में। ठीक है, और फिर ये है अडाडे जो फिर है बचता हमारा लास्ट ऑप्शन, तमिलनाडु से लिंक करता है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन में से सही रहता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो करेक्ट बैठता है। ठीक, सो आज हम फिनिश करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट इस आंसर सीरीज का, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी अदर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।